मेरे को दो बातें आपके सामने रखनी हैं। कल जिस तरह से जिला प्रशासन काम कर रहा था वह स्पष्टतया सरकार के दबाव में काम कर रहा था, और अजमेर में पर्टिकुलर मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभी तीन ऐसी बड़ी, वैसे तो पूरे अजमेर लोकसभा में काम हो पूरे रहा है, लोकसभा में लेकिन अजमेर के मेरे उत्तर विधानसभा के तीन घटनाएं, जिसमें एक बूथ नंबर 93, वहां पे सास और बहू एक साथ वोट देने के लिए गए, सास को पर्ची इशू कर दी, बहू के पास आधार कार्ड नहीं था, तो सास को कहते हैं बाहर जाके लिया, पर्ची देने के बाद बाहर नहीं भेजा जाता, वो समझदार नहीं थी, वो बाहर चली गई, उसके बाद उसको अंदर नहीं आने दिया, जबकि कानूनी रूप से पर्ची देने के बाद वोट देने के अधिकारी थी, लेकिन उसको वोट देने नहीं दिया। वोटिंग में हम खड़े हो गए, मैं लड़की अंदर खड़ी, बहू अंदर खड़ी, मैं अंदर खड़ी, जिसमें मैं इसका आधार कार्ड भूल गई थी लेने आई, जिसमें बहू को धक्का देकर निकाल दिया, बोला कि भीड़ है भीड़ है, इसको बेचारी को चक्कर का पेट से अलग है कि पेट से अलग है, जिसमें हमको वोट नहीं लेने दिया और हमको निकाल दिया, बोला 6 बज गए 6 बज गए, और बेचारी मैडम बोल रही है खुद कि नहीं ये औरत अंदर थी, ये औरत अंदर थी, मैडम की भी नहीं सुन रहे वहाँ कि मैडम की भी नहीं सुन रहे, और हमारे को वोट नहीं देने दिया, वोट देने दिए बाहर निकाल दिया हमको। रामनगर के अंदर टेंडर वोट को लेकर के जो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन किया, उसके साथ दो पुलिस वालों ने मारपीट की है, और उसके साथ उनका व्यवहार इस प्रकार का किया जिस तरह किसी चोर और किसी हल्के आपराधिक मनोवृत्ति के साथ करते हैं। वहां पे जब मेरे से बात चली, मैंने एसपी से बात करके उस समय तात्कालिक दो पुलिस उनको कांस्टेबल को हटाया बड़ी मुश्किल से, लेकिन मैं इस बात से मांग करता हूँ दोनों के खिलाफ आपराधिक के कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ अपना कैसरगंज के अंदर जो घटना घटी, उसके अंदर जो वोटर नहीं थे ऐसे लोग आकर के बूथ के अंदर घुस रहे हैं, पुलिस उनको नहीं रोक रही है, जो हमारे कार्यकर्ता ने रोकने की कोशिश की तो उसको जीप में बैठा करके एक तरह से अरेस्ट दिखाया नहीं लेकिन पकड़ करके ले गई, बहुत ज़्यादा आक्रोश होने के बाद हमारे दबाव के बाद उनको वहाँ से रिलीज किया, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं। ऐसी घटनाएं अन्य विधान कैलाशपुरी में की, 18 मिनट लेट मतदान शुरू हुआ और बहुत स्लो चला। कल कई जगह कैलाशपुरी की घटना भी आप बता रहे हैं, इसके साथ कई बूथों पर बहुत स्लो कर रहे थे, जैसे वो जानबूझ करके जो पोलिंग ऑफिसर्स थे वह स्लो करें ताकि जनता जो लाइन में खड़ी हुई है वह वहाँ से चली जाए और दोबारा ना आ जाए। इस प्रकार के सरकारी दबाव में जो जिला प्रशासन ने काम किया मैं उसकी निंदा करता हूँ, और चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी जाँच करवाएं। मैंने कलेक्टर को कहा, मैंने एडीएम को कहा, चुनाव आयोग को कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल रात तक हुआ, कुछ जगह की गई है, कुछ जगह की मैं कर रहा हूँ एसपी और कलेक्टर का। दूसरी दो बातें और कहने जा रहा हूँ, कल जिन 13 लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से 13 में से 13 भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए जा रही है, और अशोक गहलोत जी का सुपुत्र वैभव गहलोत निश्चित रूप से हार रहा है। इस हार के कारण, और ये राजस्थान में पहली बार जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अधिकांश एमपी जीतते हैं, पहली बार है उसके खिलाफ जनमत है 4 महीने के शासन से जो परेशान है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस की जो सीटें कम से कम आएंगी, और अशोक गहलोत का लड़का हारेगा, उसके बाद राजस्थान के सरकार में उथल पुथल की पूरी संभावनाएं हैं। और जो केकड़ी है, केकड़ी में इनको कहा गया था कि जो मंत्री अपने स्थान से पीछे रहेगा उसका मंत्री पद खतरे में होगा, तो केकड़ी से भी भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है। इसलिए केकड़ी के चाहे स्वास्थ्य मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, दोनों की स्थितियों में उथल पुथल बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए ये विधान लोकसभा के चुनाव हैं, 13 में से 13 तो हम जीत रहे हैं, और बाकी जो 12 हैं वह भी इस प्रकार लग रहे हैं कि मुझे लगता है राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए यहाँ के शासन समझ जाएं कि यह नहीं कि कांग्रेस के दबाव में करें, उनकी कोई सरकार स्थायी नहीं है जो उस प्रकार का कानून का उल्लंघन करते हुए जनता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करें, ये मुझे आपसे निवेदन करना था। अच्छा, फर्जीवाड़ा करा रहा था, हमने लिखित में शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नारपुरा गांव के बूथ के अंदर 1 घंटे से एक ईवीएम में मशीन को खराब रखा, उन्होंने कहा कि लास्ट में 1 घंटा एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं देके 6 बजे तक ही उन्होंने मतदान कराया। इस तरह से प्रशासन ने कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया, जो लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। अजमेर प्रशासन की निंदा करते हैं।